CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम लाल फ्रॉक। कोमल, ओ कोमल। कोमल आई। अरे अमन, रोहन। हाँ हम। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। आंटी कैसी हैं? माँ तो ठीक है, अंकल कहाँ हैं वैसे? पापा बाजार गए हैं सामान लेने के लिए। ये लो पानी पियो। थैंक यू। अब बताओ कैसे आना हुआ? अरे बताओगी तो तुम, दो दिनों से बिना बताए कहाँ गायब हो गई। तुम्हें पता नहीं क्या, अगले हफ्ते हमारा बैडमिंटन का मैच है। प्रैक्टिस पे नहीं आओगी तो हमारी टीम हार जाएगी। वो मुझे बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? अरे कम से कम बता तो देती हमें। कुछ खास नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले ये बताओ तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? ओफो, मैंने कहा तो सब ठीक है, डॉक्टर को दिखाने वाली कोई बात नहीं है। कोमल अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कोई तो वजह होगी ना इसके पीछे। वो वैसे भी तुम बिना वजह छुट्टी मारने वालों में से नहीं हो, और वो भी जब हमारा मैच है। तो अब हमें जल्दी से बताओ क्या परेशानी है। वो क्या है ना, वो मुझे अजीब सी दिक्कत हो रही है, और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। कोमल हम तुम्हारे दोस्त हैं, है ना? हाँ। तुम हमसे खुलकर बात कर सकती हो, हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। हाँ कोमल बताओ तो सही। वो दरअसल सोमवार को स्कूल से आने के बाद शाम को मैं अपनी कजन सोनू के बर्थडे पर गई थी। मैंने अपनी नई फ्रॉक पहनी थी, सफेद फ्रॉक। पर शाम तक पता नहीं वो कैसे लाल हो गई। मैंने बाथरूम में जाकर खुद को अच्छे से चेक किया था कि कहीं मुझे कोई चोट तो नहीं आई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर से खून निकल रहा था, और जब मैंने मौसी को बताया तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने के लिए एक पैड दिया, और बस इतना बोली कि मुझे कुछ दिन स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि कहीं मुझे कोई बीमारी। अरे कोमल रो मत कोमल, तुम तो कुछ भी बोलने लगती हो, रो मत। चलो चलो कोमल, आंसू पोछो, यह कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें पीरियड शुरू हो गए हैं, जो तुम्हारी उम्र की हर लड़की को होता है। तो चलो अब आंसू पोछो। हाँ कोमल चुप हो जाओ। अच्छा, पर ये तो लड़कियों की बात है ना, तुम दोनों को ये सब कैसे पता, और तुमको इस बारे में बात करने में शर्म महसूस नहीं हो रही है? मुझे तो मौसी ने इसके बारे में बात करने को भी मना किया था। ओफो, क्या लड़कियों की बात है, मेरी दीदी को जब पहली बार पीरियड्स हुए थे तब माँ ने मुझे भी इसके बारे में समझाया था। एक काम करते हैं, हम माँ के पास ही चलते हैं, वही तुमको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे देंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम चलो हमारे साथ। अच्छा ठीक है। कोमल अंदर चलो ना। हाँ हाँ चलो ना कोमल। अरे मैं आंटी से कैसे बात करूँगी इस बारे में। चलो तो सही। अरे बच्चों वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ अंदर तो आओ। कुछ नहीं कर रहे माँ। और माँ कोमल को आपकी याद आ रही थी इसलिए आपसे मिलने चली आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते कोमल। माँ कोमल कुछ परेशान है तो सोचा आपसे बात कर लें। आपके पास तो हर परेशानी का हल होता है ना माँ। कोमल तो आप बताओ क्या बात है?
तुम बड़ी उदास और परेशान लग रही हो। आंटी वो मुझे वो कुछ। ओफो कोमल, तुम रहने दो, मैं बताता हूँ। माँ, इसको पीरियड शुरू हो गए हैं। अरे हाँ, और उसी बात को लेकर परेशान हो रही है। तो इसमें परेशानी वाली कैसी बात है कोमल, ये तो लड़कियों के जीवन में नॉर्मल है। पर आंटी, मुझे इस बारे में किसी ने कभी भी कुछ नहीं बताया था। यूं अचानक मेरे अंदर से खून बहने लगा तो मैं डर गई कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। ऊपर से मौसी ने भी मुझे सैनिटरी पैड दिया और घर से बाहर निकलने को मना कर दिया और बोली अब लड़कों के साथ ये खेल कूद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा वो पैड बस चोट का खून रोकने के लिए है, मुझे क्या पता था कि बस करो कोमल, पहले रोना बंद करो। देखो कोमल, अब से हर महीने ही तुम्हें पीरियड्स होंगे। हर महीने? मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर पर बैठ जाओ। अरे बाबा, ऐसे में खेल कूद करने से कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो अपने करीबी दोस्तों से भी बातें कर सकती हो। सच में? हाँ, क्यों अमन और रोहन, तुम अपने दोस्त का ख्याल नहीं रखते हो क्या? हम रखते हैं माँ। अच्छा कोमल, एक बात बताओ, हमारे ये बाल, हमारे ये नाखून, ये क्यों बढ़ते हैं? मेरा मतलब है, ये उतने ही क्यों नहीं रहते जितने हमारे पैदा होने के टाइम पर थे? मैं बताती हूँ, हमारे विकास के साथ साथ जिंदगी भर इनका भी विकास होता है और ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक ऐसे ही कोमल, लड़कियां जीवन भर कई तरह के शारीरिक विकास या बदलावों से गुजरती हैं। अच्छा? हाँ, और युवावस्था में तो लड़कियों के शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं और इसी दौरान उन्हें पीरियड्स, जिसे कि महावारी भी कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। तुम तो बेवजह ही डर रही थी। अरे बाबा, इससे डरने की क्या जरूरत है। एक लड़की में ये अलग अलग समय पर होती है, यानी कि 8 से 14 साल के बीच में ये कभी भी शुरू हो जाती है। अच्छा? हाँ। अरे बाबा, ये तो जीवन में आना ही आना है लड़कियों के, इससे कैसा डरना। आंटी, ये तो मुझे आज ही पता चला। आप प्लीज इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए ना। हाँ 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 माँ, इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होगी तो हम अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सकते हैं। जरूर। फिर कोमल की छोटी बहन भी तो इस बदलाव से गुजरेगी ना। अभी से उससे बात की जाएगी तो वो अपने पहले पीरियड्स के लिए तैयार रहेगी। हाँ आंटी, रोहन एकदम सही बोल रहा है, वरना वो भी इसे कोई बीमारी समझने लगेगी मेरी तरह, क्योंकि हमसे तो इस बारे में कोई बात करेगा ही नहीं। भाई, ये तो तुमने खूब कही कोमल। अपने दोस्तों के साथ छोटी बहनों से इस बारे में बात करने की बहुत सही सोची है तुमने। महावारी के बारे में कई लोग बात करने से कतराते हैं, जबकि बड़ों को लड़कियों से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए, फिर चाहे वो माँ हो या पापा। देखो कोमल, पहली बार इसका होना किसी भी लड़की के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लड़कियों को अपने अंदर से खून या तरल पदार्थ बहता देखकर डर और तनाव तो महसूस होता ही है। देखो, इसे ऐसे समझो, ये सब इसलिए होता है क्योंकि या तो उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता या फिर उन्हें इसे लेकर गलत जानकारी होती है। अब सही जानकारी के अभाव में उन्हें ये कोई बीमारी ही लग सकती है, जैसे कि तुम सोच बैठी कोमल। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। पर माँ, ये महावारी होती ही क्यों है? मतलब जैसे अच्छी खुराक ना मिलने पर बाल झड़ते हैं, सेहत पे प्रभाव पड़ता है, वैसे ही यह भी तो किसी ना किसी वजह से होती होगी ना? हाँ रोहन, महावारी या पीरियड्स इस बात का संकेत होता है कि लड़की का शरीर गर्भ धारण करने या माँ बनने के लिए तैयार है। अच्छा? हाँ, देखो कोमल, वैसे तो हर महावारी 28 दिन के बाद आती है जी, लेकिन ये महावारी
21 से लेकर 45 दिनों के बीच का समय भी ले सकती है। समझी? जी। यही खून योनि मार्ग के जरिए बाहर आ जाता है। अगले महीने फिर ऐसा ही होता है और ये चक्र महिला के 40 से 45 वर्ष का होने तक चलता रहता है। आंटी, मुझे 2 दिन हो गए हैं। कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता, तो ये कब तक चलेगा? देखो कोमल, वैसे तो इस दौरान खून का प्रवाह 7 दिन का होता है। जी। पर शुरुआत में 2 से 7 दिन तक रह सकता है। इसे सामान्य होने में 1 साल तक का समय लग जाता है। 1 साल? हाँ, 1 साल। और यहाँ तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कोमल, कि अगर तुम्हारा पैड या कपड़ा जो तुमने इस्तेमाल किया है, अगर उसमें ब्लीडिंग थोड़ी बहुत ही हुई है, तब भी उसे हर 4 से 6 घंटे में बदलते रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, उससे कोई संक्रमण नहीं होता और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। समझी कुछ? पर आंटी, मैं हर बार घर पे तो नहीं रह सकती ना? किसने कहा कोमल कि इस दौरान तुम्हें घर पर रहना है? अच्छा। हाँ भाई, तुमने कभी अमन और रोहन की दीदी को छुट्टी लेते हुए देखा है? नहीं तो। भाई, उस जैसी कई पढ़ाई करने वाली और मुझ जैसी कई कामकाजी महिलाएं, हम सभी तो हमेशा घर से अपने काम के लिए निकलती हैं। पर आंटी, बाहर निकलने से कोई परेशानी नहीं होगी ना? अरे कोमल, कोई परेशानी नहीं होगी। और इस दौरान तुम पहले की तरह खेल कूद सकती हो और कहीं भी जा सकती हो। सच में? हाँ, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है कोमल। कुछ वक्त के बाद तुम्हारे लिए भी ये सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी पेट का दर्द या फिर कभी चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, ये सब तुम महसूस कर सकती हो। मगर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये कभी कभी ही होता है और हर किसी के साथ भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम डॉक्टर की सलाह ले सकती हो। बिल्कुल, बस तुम्हें अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ कोमल, ठीक से खाना खाया करो। ये सब तो ठीक है, पर मम्मी तो नानी के यहाँ गई हैं और पापा, वो तो मौसी के कहने के बाद मुझे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाने देंगे और ना ही खेलने की मंजूरी मिलेगी, तो फिर? कोमल, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। सच में? हाँ। अमन, कल तुम चलना मेरे साथ। ठीक है माँ। अब तो खुश हो ना कोमल? जी आंटी। लाल फ्रॉक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष आभार राजेश कुमार निमेश, निर्माण मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन, कलाकार ममता मलकानी, मेघा शर्मा, कार्तिक और शुभांकर, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडॉ, ध्वनिंकन विकास सांगवान, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन मीनाक्षी कुकरेती, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।